नमस्कार साथियों, आज आपके रेलवे बोर्ड की ओर से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। इस अपडेट में आपको हम जानेंगे कि जो आपकी रेलवे बोर्ड की जितनी भी वैकेंसी है उनके सभी का जो है वो शेड्यूल जारी कर दिया गया, नोटिफिकेशन शेड्यूल और आपके ऑनलाइन आवेदन का शेड्यूल है जो कि यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो साथियों, ये आप सभी देख सकते हो, जितने भी रेलवे की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उन तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि सभी तक ये पहुँच सके। तो साथियों, आपके ग्रुप डी है उसकी और आपके जेई की और आपके नॉन टेक्निकल कैटेगरी है जो जिसमें अंडर ग्रेजुएट और आपके नॉन अंडर ग्रेजुएट है उनकी वैकेंसी है, पूरी वैकेंसियों की जो शेड्यूल है वो यहाँ पे रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो साथियों, अब आपका ये निश्चित है कि रेलवे बोर्ड के द्वारा है वो निश्चित शेड्यूल के अनुसार ही है वो आपके नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और शेड्यूल के अनुसार ही है वो आपके एग्जाम करवाए जाएंगे और आपके शेड्यूल के अनुसार ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी प्रक्रिया रेलवे बोर्ड की तरफ से शेड्यूल के द्वारा ही जारी की जाएगी। तो मैं आपको बता दूँ, हर प्रकार की जो वैकेंसी है उसके आपके ईयरली आपके नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो मैं आपके साथ यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ, साथियों वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपके पूरी जानकारी वो समझ में आ सके और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दे ताकि जितने भी अभ्यर्थी हो उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आइए साथियों, हम चर्चा कर लेते हैं किन किन वैकेंसी और किन किन का वैकेंसियों का कब तक नोटिफिकेशन आएगा और ऑनलाइन आवेदन कब तक स्टार्ट होने वाला है। तो हम देख सकते हैं आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से जो कि ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्वायरमेंट, जितने भी आपके आरआरबी है उनके रिक्वायरमेंट का एनुअल कैलेंडर है जो कि यहाँ पे जारी कर दिया गया है। इश्यू ऑफ सेंट्रलाइज एम्प्लॉयड नोटिफिकेशन प्रोवाइड और कैटेगरी, यहाँ पे दी गई है आपकी पीरियड और कैटेगरी। तो आप देख सकते हो किस किस कैटेगरी की कौन कौन सी वैकेंसी और क्या क्या इसका पीरियड रहने वाला है। तो जो आपकी एलपी की वैकेंसी है उसका जो आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था जनवरी में और उसका जो है 19 फरवरी तक लास्ट डेट रखी गई है, तो जनवरी और मार्च दिया गया है। ए टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे देखा जाए तो अप्रैल और जून दिया गया है, पूरा आपको शेड्यूल यहाँ पे जारी कर दिया गया है। और हम देखेंगे कि जुलाई सितंबर में आपके नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएट है जो लेवल 4, 5, 6 के लिए है उनके लिए यहाँ पे जुलाई सितंबर में, और आपके नॉन टेक्निकल पॉपुलर आपके कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 और 3, मतलब अंडर ग्रेजुएट 12th पास के लिए या आपके ग्रेजुएशन जिनों के एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन है वो उनके लिए, और ये आपके अंडर ग्रेजुएट मतलब 12th पास के लिए, और आपके जूनियर इंजीनियर जेई के हैं और आपके पैरामेडिकल कैटेगरी है, जो आपके पैरामेडिकल कैटेगरी होती है उनका जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई और सितंबर में क्या कर दिया जाएगा, रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। हम बात करें अक्टूबर और दिसंबर की, तो अक्टूबर और दिसंबर में हम देखा जाए लेवल 1 जो आपकी डी ग्रुप की वैकेंसी मानी जाती है लेवल 1 और मिनिस्ट्रिकल और आइसोलेटेड कैटेगरी, इन दोनों का जो रिक्वायरमेंट कब तक आ जाएगा अक्टूबर और दिसंबर में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये आपके चेयरमैन है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से निकाला गया है, डेट आपके 2/2/2024 को ये जारी किया गया है। तो आपको जिस साथियों में बता दूं कि जितनी भी वैकेंसी है उनका जो नोटिफिकेशन है और ऑनलाइन आवेदन है उसका जो शेड्यूल है वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो जितने भी साथी है रेलवे बोर्ड की तरफ से जो भी आपकी रेलवे की तैयारी करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा है वो क्या यहाँ पर तैयारी में जुट जाएगी, सभी प्रकार की वैकेंसी वो यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। साथियों में बता दूँ आपको एल पी के लिए कैटेगरी आपको 10th+ITI, 10th+ITI, BTEC और फॉलो टेक्निक, ये 3 डिग्री होनी क्या है जरूरी है। टेक्नीशियन के लिए आपके ITI+ PCM, ITI+ 12th PCM, PCM वालों के लिए 2 पोस्ट होती है और इसमें ग्रेजुएशन आपके दे दिया जाए, आपके ग्रेजुएशन है वो किसी प्रकार की है, अलग अलग पोस्ट अलग अलग के लिए जारी की जाएगी। और नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट, इसके लिए आपके 12th रखी जाती है, इसमें आपके चाहे PCM हो, चाहे आपके आर्ट हो, चाहे आपके कॉमर्स हो। जूनियर इंजीनियर जी, इसमें आपको बता दूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपकी जूनियर इंजीनियर्स के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी जाती है वो BTEC+ आपके पॉलिटेक्निक, और ये आपकी पैरामेडिकल जो कैटेगरी होती है इसमें आपको अलग जो आपकी सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास रहना जरूरी है। लेवल 1 आपके डी ग्रुप के लिए 10th रखा गया है, क्या रखा गया है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th रखा गया है। तो साथियों ये आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी वो, और आपके जितनी जितनी पोस्ट है वो मैं आपको बता दूं, एलपी में अभी 5,696 पोस्ट है वो जारी कर दी गई है, टेक्नीशियन में आपके जो पोस्ट है वो आपके जारी कर दी गई है 9,000 पोस्ट, और आपके जेई का जो नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है, जेई की भी पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की वो भी आपके
पोस्ट जारी कर दी गई है जो कि आपकी 4600 की समथिंग क्या है पोस्ट रखी गई है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि आपके जल्द से जल्द जितने भी नोटिफिकेशन है वो आ रहे हैं, तो जिन जिन की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जिनके पास, वो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दे। और आपको बता दूं इस चैनल के माध्यम से आपके जितने भी इनके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होंगे वो आपको मिल जाएंगे, मतलब जितने भी आपके पीछे क्वेश्चन पेपर होंगे वो ऑल टोटल है वो इस चैनल के माध्यम से आप तक भेज दिए जाएंगे। तो जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को तुरंत अभी भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले ताकि रेलवे की पल पल की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो साथियों ये था आपका नोटिफिकेशन। रेलवे है वो शेड्यूल के अनुसार काम करेगा, ऐसा नहीं है कि आपको एक साल वैकेंसी आ गई दूसरी साल नहीं आएगी। अब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आए हैं वैसे वैसे इनको क्या अगले साल इसी तरह इसी डेट पर क्या कर देंगे, रिक्वायरमेंट जारी कर देंगे। पोस्ट कम आ रही है लेकिन ये रिक्वायरमेंट है वो हर साल डेली आते रहेंगे। तो साथियों आप तैयारी है उसको स्टार्ट कर दो और सुचारू रूप से वो करना चालू कर दो ताकि आप है वो क्या कर सकते हो रेलवे की जॉब भी हासिल कर सकते हो। साथियों पूरी जानकारी जैसे किस आपके पोस्ट का क्या काम रहता है वो भी इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा और इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दी, और जैसे जैसे इनका फुल नोटिफिकेशन आएगा वैसे वैसे आपको सारी अपडेट यहाँ पे दे दी जाएगी।